मुझे एक गिफ्ट दिया था गाइस, और वो है गाइस आईफोन। आप लोग जानते हैं कि कभी कभी हमारे साथ ऐसा कुछ हो जाता है जो कभी हमने सोचा ही नहीं होता, कभी हमने हमारे माइंड में भी नहीं आया होता, और कभी कभी हम जो सोचते हैं वो कभी नहीं होता। सो गाइस, अक्सर लोगों के साथ ऐसी मिसहैपनिंग्स होती हैं, और मेरे साथ भी आज कुछ ऐसा ही हुआ है जो मैं आपके साथ इस व्लॉग में शेयर करने वाला हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखेंगे। एंड गाइस, मुझे सीरियसली कभी ये नहीं लगा था कि मेरे साथ ऐसा कुछ होगा, लेकिन जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैंने व्लॉग बनाना अभी अभी स्टार्ट किया है, सो आप लोगों को भी ये कमी लगती होगी, मुझे भी कमी लग रही थी। तो मैंने सोचा था कि मैं जैसे कि अब व्लॉग स्टार्ट किया मैंने बनाना, तो मैं अपनी जो क्वालिटी है, वीडियो क्वालिटी है, पिक्चर क्वालिटी है, तो उसको मैं थोड़ा सा और बेहतर करूँ। सो मैंने गाइज इस चीज़ को देखते हुए, जैसे कि अभी 5 जुलाई को मेरा बर्थडे है गाइज, सो मेरे जो ब्रदर हैं उन्होंने मुझे एक बर्थडे गिफ्ट दिया था, और वो गिफ्ट क्या है मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे साथ जो मिस हैपनिंग हुई है उससे मुझे बहुत दुख हुआ है, और मैं नहीं चाहता हूँ कि ऐसा कभी भी किसी के साथ हो, क्योंकि आप लोगों को किसी चीज़ से बहुत उम्मीद रहती है, और वो उम्मीद कुछ ऐसी होती है कि हम लोग उसके बारे में बहुत गहराई से सोचने लग जाते हैं कि अगर मेरे पास ये चीज़ होगी तो मैं शायद कुछ अच्छा कर पाऊँ, मैं शायद कुछ बेटर कर पाऊँ। लेकिन अगर अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ नहीं हो पाती है तो हमें बहुत दुख होता है, हमें जो फील होता है उस टाइम पर, तो वो अगर मैं कहूँ तो कि कभी कभी हमारा मन इतना दुखी हो जाता है कि यार ऐसा क्यों हुआ, ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ, क्या ये मेरे साथ ही होना था। सो इस चीज़ को देखते हुए मैं अभी जो फील कर रहा हूँ गाइज, पहले तो मेरा मन ही नहीं था ब्लॉग बनाने का, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं आपके साथ अपनी फीलिंग्स शेयर करता हूँ, और क्योंकि ऐसी मिस हैपनिंग किसी के साथ भी हो सकती है। और गाइज की जैसे कि जो अगर आपको बर्थडे आपका बर्थडे है, आई एम सॉरी गाइज। सो गाइज, जैसे कि अभी 5 जुलाई को मेरा बर्थडे आने वाला है, तो एडवांस में मेरे ब्रदर ने मुझे वो गिफ्ट भेजा था, और मेरे काम को देखते हुए जिस तरह से मैंने ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया है, तो उनको भी लगा था कि मुझे एक अच्छे फ़ोन की ज़रूरत है ताकि मेरी जो पिक्चर क्वालिटी है, वीडियो क्वालिटी है, वो अच्छी हो सके। तो उन्होंने मुझे एक गिफ्ट दिया था गाइस, और वो है गाइस आईफोन। और अनफॉर्चुनेटली ये मेरा आईफोन अब डैमेज हो चुका है, यानी कि बिल्कुल ख़राब हो चुका है। और गाइस, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि मुझे अंदर से कितना दुख हो रहा है, क्योंकि मेरे ब्रदर ने मुझे ये जो गिफ्ट दिया था वो मैं बहुत खुश था कि गाइस मुझे आईफोन मिला है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इससे पहले मैंने कभी आईफोन यूज़ नहीं किया है, और अब अगर मुझे ये गिफ्ट मिला था, लेकिन मैं भी शायद जैसे कि मैंने आपको बताया कि कभी कभी हम वो सोचते नहीं हैं जो हमारे साथ हो जाता है, और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे ऐसा गिफ्ट मिलेगा और नहीं भी मिलेगा, क्योंकि ये मेरे पास आया, लेकिन शायद मेरी गलती की वजह से ये ख़राब हो चुका है। और मैं आपको बता दूं कि इसमें पानी भर चुका है, और ये पानी में गिर गया गलती से मेरी, तो अब ये बिल्कुल डैमेज हो चुका है। मैंने मार्केट में भी इसको चेक कराया, और इवन मैं आईफोन केयर में भी इसको लेके गया था, लेकिन उन्होंने जो इसकी कॉस्ट बताई थी रिपेयरिंग की, वो बहुत ज़्यादा है गाइस, और अभी मैं इतना कॉस्ट पे नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने जैसे कि आपको बताया कि अभी जैसे मैं ब्लॉग शूट करता हूँ या कोई भी वीडियो शूट करता हूँ, तो मेरे पास गाइस एक सैमसंग का A2 कोर फ़ोन है, जिससे मैं ये वीडियोस वगैरह शूट करता हूँ, ब्लॉग शूट करता हूँ, तो शायद इसी वजह से पिक्चर क्वालिटी थोड़ी सी अच्छी नहीं आती। लेकिन अब मैं सोचा था कि मैं थोड़ा सा ग्रो करता हूँ, और मैंने आईफोन ख़रीदने का सोचा था, लेकिन उससे पहले मेरे ब्रदर ने मुझे गिफ्ट दिया, और अनफॉर्चुनेटली ये मुझसे ख़राब भी हो गया, और अभी मैंने अपने ब्रदर को नहीं बताई ये बात, लेकिन अगर उनको बताऊंगा तो शायद उनको भी बहुत दुख होगा। और गाइस, तो अभी आपको थोड़ा वेट और करना पड़ेगा थोड़ी अच्छी क्वालिटी के लिए, और मैं ज़रूर कोशिश करूँगा जल्द से जल्द अपनी जो भी मेरी पॉकेट मनी होती है, या मैं जो भी सेविंग कर पाता हूँ, तो उससे मैं ज़रूर कोशिश करूँगा आईफोन दोबारा ख़रीदने की, ताकि मैं आपको अच्छी क्वालिटी दे सकूँ। सो गाइस, ये जो मिस हैपनिंग मेरे साथ हुई है गाइस, मैं एक्चुअली शॉक्ड भी हूँ कि
ऐसा कैसे हो गया। और जो आपको कभी भी कोई अगर दिल से गिफ्ट देता है तो वो हमारे लिए बहुत अजीज़ होता है, और ये तो मेरे बड़े भाई ने दिया था, तो मेरे लिए बहुत अजीज़ था, मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी ये कि इतना महंगा गिफ्ट दिया उन्होंने मुझे, लेकिन शायद मैं उसको एक दिन भी संभाल नहीं पाया हूँ गाइज़। तो मुझे बहुत दुख हो रहा है इस बात को बताते हुए, और मैं आप सबसे यही उम्मीद करता हूँ कि आपको अभी जो मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूँ, अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो आप सब उसको पसंद करेंगे, सपोर्ट करेंगे। और गाइज़ जैसे कि मैं हर बार बोलता हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे, तो कम से कम एक फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिए वीडियो को, और मुझे थोड़ा सपोर्ट कीजिए गाइज़, ताकि मैं थोड़ा सा और ग्रो कर सकूँ, आपके लिए मैं अच्छा कर सकूँ। और जैसे कि मैंने व्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया है, तो मैं ज़रूर आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लेकर आऊँगा, अच्छे से अच्छे व्लॉग शूट करूँगा। और जैसे मेरे पास आईफोन आता है, तो मैं उससे आपको पिक्चर क्वालिटी भी अच्छी दूंगा गाइस। होने के साथ साथ एक बात का और दुख है, और शायद आपको भी होता होगा, जैसे कि मेरा ये आईफोन जो मेरा ख़राब हो चुका है, तो मैंने इसमें बहुत से वीडियोस और पिक्चर फ़ोटोज़ क्लिक किए थे गाइस, जो मुझे लगता था कि मेरे लिए बहुत अच्छे थे, उनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी, और मैंने इसमें इंस्टाग्राम के लिए एक दो रील्स भी शूट की थी, बट अनफॉर्चुनेटली वो सब डैमेज हो गई हैं क्योंकि फ़ोन ख़राब हो चुका है, और अब इसकी कोई गारंटी नहीं है ठीक होने की, क्योंकि अब ये ठीक नहीं हो पाएगा। इसलिए फ़ोन बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए नहीं कि ये आईफोन है, और बल्कि इसलिए कि ये मेरे ब्रदर ने मुझे गिफ्ट दिया है, और गिफ्ट ये मैं आपको बता दूं कि ये ब्रांड न्यू नहीं है गाइस, ये 1 साल 2 महीना पुराना है, लेकिन मेरे ब्रदर ने इसको यूज़ किया है, और उन्होंने स्पेशली मुझे व्लॉग्स बनाने के लिए ये फ़ोन गिफ्ट किया है, और इसमें अभी कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी जब ये मेरे पास आया था, लेकिन गलती से मुझसे ये पानी में गिर गया और ये डैमेज हो गया। तो अब ये अगर मैं इसको रिपेयर भी कराता हूँ, तो इसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा बताई है मुझे, तो मैं उतना अभी पे नहीं कर सकता हूँ, और अगर मैं पे भी करूँगा तो मे भी शायद उतनी कॉस्ट में, अगर मैं उसमें थोड़ा और ऐड कर सकता हूँ तो एक नया आईफोन आ सकता है। तो गाइज़ मैं कोशिश करूँगा कि मैं जल्द से जल्द अच्छा फ़ोन लूँ, और आपको मैं अच्छी से अच्छी क्वालिटी दे सकूँ व्लॉग्स में, वीडियोज़ में, मैं पूरी कोशिश करूँगा। मैं बस यही चाहता हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट करें, और गाइज़ मुझे आप लोगों की हेल्प इसलिए भी चाहिए कि आप लोग मुझे अपने टॉपिक्स बता सकते हैं कि मैं किस टॉपिक पे मुझे वीडियोस बनानी चाहिए, किस टॉपिक में मुझे ब्लॉग्स बनाने चाहिए, ताकि मैं उसी टॉपिक करूँगा आप लोगों के लिए। अगर आप लोग मुझे कोई कंटेंट सजेस्ट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, देन मैं उस कंटेंट पर ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। तो गाइज़ तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्टे फिट स्टे हेल्दी एंड टेक केयर।